Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Dear students, assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एफ एस सी पार्ट फर्स्ट की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. क्वेश्चन में आपको जो पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने हैं. राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में आपने लिखना है, ठीक है. और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शेप होती है क्या होती है आपके पास, ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, ठीक है. तो इस फॉर्म में आपने लिखना है आंसर को. तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, 2-7 आयोटा, 4+5 आयोटा, ठीक है, ये था. अब सिंपली जैसे हमने पहले क्वेश्चन को रैशनलाइज करके किया है ना, तो आपने इसको भी वैसे ही करना, ठीक है. तो किस तरह से हम करेंगे, 2-7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4+5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4-5 आयोटा, ठीक है. देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे और डिवाइड भी उसी वैल्यू से करेंगे, ठीक है, 4-5 आयोटा से. अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2-7 आयोटा और 4-5 आयोटा, ठीक है. और ये भी इसी तरह आ जाएंगे, 4+5 आयोटा, 4-5 आयोटा, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे तो वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है. देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है और ये क्या है आपके पास, ए माइनस बी, ठीक है. एक प्लस में है, एक माइनस में है, और ए की जगह यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और बी की जगह यहाँ 5 आयोटा है और यहाँ भी 5 आयोटा है, ठीक है. तो यहाँ पे तो वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं कर सकते. ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है. तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है. तो इस वैल्यू को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, 2 को पहले 4 के साथ करें, 2 4 8, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देती हूँ. 2 को आपने 4 से करना है, ठीक है. फिर 2 को करें 5 आयोटा के साथ, और यहाँ पे माइनस है तो आप लगाएंगे माइनस, 2 को आपने करना है 5 आयोटा के साथ, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अब 7 आयोटा को 4 के साथ करना है, तो यहाँ पे माइनस है, आप क्या लिखेंगे, माइनस 7 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, ठीक है. फिर आपने ये देखिए माइनस माइनस प्लस और 7 आयोटा को 5 आयोटा से, ठीक है. 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये अब फार्मूला बन रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, 4² - 5 आयोटा का स्क्वेयर, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई आप करें सिंपली, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 4 8 - 2 5 10 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी आपके पास, ठीक है. माइनस 4 7 28 28 आयोटा, ठीक है. प्लस 5 7 35 और ये है आपके पास आयोटा 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 स्क्वेयर, ठीक है. यहाँ पे क्या है, 4² क्या बन जाएगा, 16. माइनस 5² क्या होता है आपके पास, 25. और यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ दोनों आपने इस जगह पे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 - ये भी आयोटा की वैल्यू है, ये भी आयोटा की, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा और ये बन जाएगा आपके पास 38 आयोटा, ठीक है. और प्लस 35 आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या आएगा आपके पास, -1 डिवाइडेड बाय 16. -25 आयोटा स्क्वेयर की जगह आपने -1 पुट कर देना है और साथ मेंशन भी कर देना है, ठीक है. नेक्स्ट अब क्या है, 8 - 38 आयोटा प्लस -35 डिवाइडेड बाय 16 -+25, ठीक है. अब ये देखें, 8 - 35 आपके पास बन जाएगा -27 -38 आयोटा, ठीक है. ये आयोटा वाली वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 16+25 तो ये बन जाएगा 41, ठीक है.
अब देखें, अब आगे तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना था। आप लिखेंगे -27 डिवाइडेड बाई 41 -38 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा, ठीक है। आपने अब ए प्लस आयोटा भी मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ था आपके पास के कम्प्लेक्स जो है फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, या इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग करना है। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो आपने ये सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, -2 + 3 आयोटा। पहले आप ना इसका स्क्वायर ओपन कर लें या यहाँ पे कर लें, ठीक है, बाद में कर लें। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा और आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। अब ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे था आपके पास -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा और आपने मल्टीप्लाई किया था 1 - आयोटा से और डिवाइड भी 1 - आयोटा से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे साइड पे मैं बताती हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ठीक है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ए की जगह आपके पास क्या है, -2, तो आपने ए का स्क्वायर लेना है। ए का स्क्वायर आएगा -2² + 2a की जगह है -2 और b की जगह है 3iota + b², तो आप लिखेंगे +b² है 3iota का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे था 1 + iota और ये है 1 - iota, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 - iota, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लें तो ये आपके पास इवन नंबर है 2, ये माइनस प्लस में हो जाएगा और 2 2 = 4, ±, 2 2 = 4, 4 3 = 12 आयोटा, +3 iota का क्या आएगा आपके पास, 3 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपने ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, 4 - 12 आयोटा +9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट करना है -1, ठीक है, और साथ लाजमी मेंशन कर दिया करें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 - 12 आयोटा +-9 डिवाइडेड बाय 1 - -+1, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 - 9 - 5, ठीक है, और -12 आयोटा, आयोटा वाली तो कोई और वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 + 1 = 2। अब देखिए इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लें, ठीक है। -5/2, यहाँ पे माइनस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, 12/2 और आयोटा, ठीक है। और ये देखिए हम भूल गए, यहाँ पे 1 - iota भी था ना मल्टीप्लाई, मतलब ये जो स्क्वायर हमने ऊपर किया था वो यहाँ तक था और ये 1 - iota ये लिखा था हमने, ठीक है। और ये यहाँ पे अब 1 - iota इसके साथ भी आएगा, ठीक है, 1 - iota, और यहाँ भी आएगा आपके पास 1 - iota, ठीक है, और अब यहाँ भी आएगा 1 - iota, ठीक है। अब देखें, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी आएगा 1 - iota, ठीक है। तो इस स्टेप्स को करने से पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये भी बिल्कुल उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है,
देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस फाइव को वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, माइनस फाइव को माइनस आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और फाइव आयोटा। अब माइनस ट्वेल्व को आप करें वन के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व आयोटा, और माइनस ट्वेल्व आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व आयोटा स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। यहाँ आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस फाइव, और ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी, ठीक है, तो फाइव में से ट्वेल्व माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस सेवन आयोटा प्लस ट्वेल्व आयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन पुट करेंगे और डिवाइड बाई टू, ठीक है, माइनस फाइव माइनस सेवन आयोटा प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व कितना होगा आपके पास, माइनस सेवनटीन माइनस सेवन आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाय टू माइनस सेवन बाय टू आयोटा, ठीक है, तो ये है आपके पास रियल पार्ट माइनस सेवनटीन बाई टू और माइनस सेवन बाई टू इमेजिनरी पार्ट्स बिकॉज इसके साथ आयोटा है, ठीक है, तो आपने यही प्रूफ करना था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना था, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज, आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आयोटा और ये वन माइनस आयोटा ये वाला, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपके पास, वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा, ठीक है, वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा। अब ये आप स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा और इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आयोटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता, ठीक है, आयोटा 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 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वन का स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वेयर यहाँ आयोटा यहाँ पे आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वेयर की जगह आपने माइनस वन पुट कर देना है, ठीक है, वन का स्क्वेयर आपको पता है वन होता है, और माइनस आयोटा स्क्वेयर की जगह आपने क्या पुट करना था, माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, आयोटा माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, आयोटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने हैं, ठीक है, आपको पता है मतलब हम जो नॉर्मल लिखते हैं ए प्लस आयोटा भी लिखते हैं, तो आयोटा को आप इस साइड लिख दें, मतलब वन प्लस आयोटा लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज साइन दोनों के साथ पॉजिटिव है। अब आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लें, तो रियल पार्ट है आपके पास वन बाय टू प्लस इमेजिनरी पार्ट्स है वन बाय टू आयोटा, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे से समझ आ गया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।